जी क्लास देखें, एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहे हैं कि आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हमने अलग अलग क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग लॉज लगाए थे। एक्सपोनेंट के पावर लॉ लगा था, प्रोडक्ट लॉ लगा था, क्वेश्चन लॉ लगा था। इसमें वो कंबाइंड लॉज लग रहे हैं, ठीक है। आपने उन तमाम लॉज को जहन में रखते हुए इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाएं सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए, इस होल ब्रैकेट की ओर पावर स्क्वायर लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 की पावर, पहले सवाल लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। अभी जो 2 की पावर लगी हुई है, ये इस 4 के ऊपर भी मौजूद है और ये इस वाले a के ऊपर भी मौजूद है। देखें, जब ये 4 के ऊपर जाएगी तो 4 पावर पहले से 1 थी, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2, और जब ये a लिखा हुआ है, a की पावर 3 थी, मल्टीप्लाई हो जाएगी वो पावर स्क्वायर वाली, ठीक है। अब देखें, जब पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 1 2, इस डॉट का मतलब एलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। 3 2 6, देखें 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 16, a की पावर 6, ये आपका सिंपल आंसर आ गया। अगर आपको ये 4 का पावर स्क्वायर लेना समझ में आया तो देखें बेटा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 4 into 4 और फिर a की पावर 6, ठीक है। इसका मतलब होता है स्क्वायर का कि 4 को 2 टाइम्स उसी से मल्टीप्लाई करवाएं। अब इधर देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके ऊपर होल पे पावर मौजूद है, इस पे होल पे पावर मौजूद नहीं है। पहले आप इसकी होल पावर सॉल्व कर लें, बाद में इनको देखते हैं क्या करना है। देखें, 3x5y² होल पर पावर क्यूब अपॉन 2x4y⁴। देखें, सवाल दोबारा लिख दिया मैंने। अब मैं इस पूरे सवाल के ऊपर, जो ऊपर वैल्यू ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, सब पर पावर 3 लगाता जाता हूँ। देखें, 3 पावर पहले से 1 थी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उससे बाहर वाली पावर 3 को। इसी तरीके से x पे पावर पहले 5 थी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाहर वाली पावर 3 को। इस तरीके से y पावर स्क्वायर थी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाहर वाली पावर 3 को। अपाउंड में आ जाते हैं बेटा, इन पर कोई पावर थी नहीं तो मैंने इनको वैसे ही लिख दिया, x पावर 4 और y पावर 4। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ तरीके से हो जाएगा, 3 की पावर 3 * x की पावर 3 = 15 * y की पावर 2 3 = 6 अपाउंड 2 x पावर 4 y पावर 4। देखें, ये है मेन डिवाइड, क्वेश्चन डॉ लगेगा। जैसे मैं इसकी डिवाइड को ऊपर कन्वर्ट करूँगा तो पावर सारी नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। और अगर इस पर पावर लगा देंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। 3 पावर 3 लगाएंगे, 3 3 = 9 9 3 = 27, यहाँ पे आ जाएगा 27, ठीक है। अब ये एक्स की पावर 15, जब इस एक्स की पावर को मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -4। क्वेश्चन लॉ के मुताबिक बेसिस सेम, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे तो पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से y की पावर 6, जब y को ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर -4, और अपाउंड में मेरे पास सिर्फ ये बचेगा 2, ठीक है। अगर 2 इससे डिविजिबल होता तो मैं इन दोनों का टेबल पढ़ के इनको काट देता। अब देखिए आगे, 27 एक्स पावर 15 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा 11 * y 6 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा स्क्वायर अपाउंड 2। इसको बगैर डॉट के लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साइन के, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।